लहरपुर तहसील परिसर में खराब पड़े शौचालयों का पुनः निर्माण कराकर हुआ उद्घाटन। लहरपुर तहसील परिसर में वर्षों से खराब पड़े शौचालयों को पुनः निर्माण कराकर उप अधिकारी व व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने आज किया फीता काट का उद्घाटन। इस मौके पर स्कूल के बच्चों ने सोच संबंधी कार्यक्रम कर जनता को किया जागरूक। कार्यक्रम का संचालन सफीउद्दीन ने किया। खुले में सोच संबंधित बीमारियों से भी करवाया अगवत। कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी सीओ अखंड प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक इंद्रजीत सिंह के आने पर कोमल सिकेव संजू राज ने स्वागत की प्रस्तुत किया। उधर अब्दुल मोहित सिकेवा कोमल संजना ने खुले में सोच मुक्त नाटक प्रस्तुत किया। सैंड बिलाल की एक छात्रा आदित्य शक्ति ने भाषण प्रस्तुत करते हुए कहा कि भारत के आदि से अधिक आबादी खुले में सोच को जाने को मजबूर है। इसके परिणाम स्वरूप अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। सीओ खंड प्रताप सिंह जी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, खुले में सोच जाने से क्राइम से संबंधित काफी केस आते हैं, जिसमें ज्यादातर रेप संबंधी होते हैं। इसका एक ही कारण होता है, खुले में सोच जाना। रेप की घटनाएं सामने आती रहती हैं। इस मौके पर इस कार्यक्रम में मौजूद अधिवंशी अधिकारी अहविवर लाल, उप जिलाधिकारी रत्रिभान वर्मा, गोलू भैया, अशरफ बिलाल, सीओ अखंड प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक इंद्रजीत सिंह, वीरेंद्रपुरी, हसीन अंसारी आदि लोग मौजूद रहे। विद्वजन और हमारे प्रिय साथियों, भारत सरकार ने वैदिक संस्कृति से प्रेरित होकर स्वच्छता को एक मिशन बनाया। वर्तमान सरकार के प्रधानमंत्री जी को ब्रांड बनाकर लोकमत का ध्यान आकर्षित करने में महारत हासिल है। इस तथ्य को उनके प्रतिद्वंदी भी स्वीकार करते हैं, बेहिचक मानते हैं कि हाँ उनमें कोई बात है। हाँ तो माननीय मोदी जी ने स्वच्छता का अभियान पूरे मनोयोग से देश भर में चला रखा है। देश भर के नेता, अभिनेता, अधिकारी, उद्योगपति, व्यापारी, छात्र, अध्यापक, किसान, मजदूर सभी स्वच्छता की माला जप रहे हैं। और तो से सुचिता का पालन करने वाले होते हैं। त्रिकाल संध्या जान रही है, वे भी हाथ में झाड़ू लेकर फोटो खिंचाने में पीछे नहीं है, आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद सबने एक स्वर में स्वच्छता का के महत्व को स्वीकारा है। हमारे संस्कार स्वच्छता के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। स्वच्छता और स्वास्थ्य का गहरा रिश्ता है, इसीलिए आयुर्वेद में स्वच्छता और पवित्रता को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। सारी दुनिया में स्वच्छता पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन पवित्रता पर नहीं। फाइव स्टार संस्कृति स्वच्छ हो सकती है, परंतु पवित्र कदापि नहीं। भारतीय संस्कृति के उपासक तन से स्वच्छ कर दिखलाएंगे, रहेगा ना अब गंदा कोई, रहेगा ना अब गंदा कोई, हर गांव गली मकान, अभियान अभियान। इस बात को समझो भैया बहना, साफ सफाई हमको ही करना। इस बात को समझो भैया बहना। बहुत बहुत शुक्रिया। परेशान है पेशाब के लिए, उसे गंदगी भी होती है और सुरक्षा भी होती है। ये एक ऐसी प्राकृतिक आवश्यकता है कि ये हर आदमी को पड़ती है, उसको हम लोग पूरा कर सके। इसके लिए हम बहुत आभारी हैं अपने तहसील के उप जिलाधिकारी महोदय की, उन्होंने हमें जिम्मेदारी दी और हम लोगों ने कोशिश की है कि सुलभ शौचालय में महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, दिव्यांग महिलाओं के लिए, दिव्यांग पुरुषों के लिए एक एक छोटी छोटी चीज का ध्यान रखा गया। तमाम लोग शौच करते हैं तो अपने कपड़ों को उतार के करते हैं, तमाम लोग साबुन और उसका नहीं प्रयास करते हैं, तो ये प्रयास किया गया है। एक वॉश बेसिन भी लगाई गई है, रनिंग वाटर लगाया गया है। और सबसे आवश्यक चीज यहाँ पे बताएं आप सब, ऐसा किया गया है कि ये मैन्युअली भरना नहीं पड़ेगा। कभी कभी बड़ी अजीब स्थिति हो जाती है कि जब हम शौचालय में होते हैं और पानी खत्म हो जाता है, पता चला जो अटेंडेंट है भरने वाला भूल गया, लाइट नहीं है, तो ऐसी स्थिति यहाँ पे नहीं पैदा होगी, क्योंकि ऑटोमेटिक डिवाइस लगा दी गई है, जो थोड़ा सा भी पानी कम होगा तो वो
पुल रखेगी और पूरा पानी हमेशा यहाँ के लोगों को मिलेगा, जिससे वो अपने को भी स्वच्छ रखेंगे और शौचालय को भी स्वच्छ रखेंगे। एक बार फिर आदरणीय सीओ साहब का, इंस्पेक्टर साहब का और जेई साहब का और आप सब लोगों का, खासतौर से अपने अधिवक्ता दोस्त रवि भाई का, कमलेश जी का बहुत आभार रहूंगा कि उन्होंने मुझे बड़ा सहयोग दिया हर चीज के लिए, अपने को प्रस्तुत किया कि नहीं आप करिए, हम आपके साथ हैं। और कोई भी काम जब आप प्रयास करते हैं और अच्छे काम होते हैं तो कभी रुकते नहीं है, मेरा अपना तजुर्बा है। मैं एक बार फिर आप सभी का, आए हुए लोगों का, अपने इस तहसील के उपजिलाधिकारी श्री रतिमान जी हैं, ये सिर्फ महज उनकी प्रेरणा, उनके साहस, उनकी सहमति से संभव हुआ। एक शाम हम लोग बैठे, इन्होंने कहा तहसील गंदी है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये पेड़ कटवा दें। मैं बैठा था, मुझे लगा कि मैं इस कस्बे के एक जिम्मेदार नागरिक के नाते अगर हमारे मुखिया की सोच है तो उसमें अपना कुछ सहयोग दे दूं। मैंने कहा आदरणीय उपजिलाधिकारी जी, अगर आप ये काम मुझे दे दें तो मैं इसको करने का प्रयास करूंगा। और मैंने उसी समय दो बात कही कि सर ये पेड़ हैं, ये पौधे हैं और एक यहाँ पे बंद पड़ा शौचालय है, उसको अगर सही कर दिया जाए तो बहुत ज़रूरी होगा। और मैंने कहा सर इसलिए नहीं कि आप सक्षम नहीं हैं या यहाँ के अधिवक्ता उस चीज़ को कार्य नहीं कर सकते हैं, मैं सिर्फ इस काम को इसलिए करना चाहता हूँ कि ये वो जगह है जहाँ पे समाज के दबे कुचले निचले तबके लोगों को आप न्याय देते हैं, न्याय दिलाते हैं। यहाँ पे हमारी सारी तहसील आती है, सारे तहसील के लोग आते हैं, तो सामुदायिक सहभागिता देते हुए आदरणीय उपजिलाधिकारी जी से एक निवेदन करूंगा कि हम लोगों के कुछ ऐसे साथी हैं उन्होंने हमारे स्कूल के स्टाफ ने जो कई कार्यक्रम में हमारा नाम ले लिया, एक परंपरा होती जा रही है कि बॉस के शान में तमाम कसीदे पढ़े जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित इस तहसील के मुखिया परम आदरणीय SDM सर, रिस्पेक्टेड CO सर, इंस्पेक्टर सर, हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी, पीठ बच्चा एसोसिएशन के अध्यक्ष जी, अधिवक्तागण, हमारे साथी, हमारे स्कूल के छात्र छात्रा, नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी एवं जेई महोदय, यहाँ पे हमारे बड़े भाई वीरेंद्र भाई बैठे हैं, हमारे साथी लोग बैठे हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग हमें बहुत शुरू से यहाँ से जानते हैं। मैं उन सबका यहाँ पे हार्दिक स्वागत करते हुए बहुत चंद लम्हों में अपनी बात कहूंगा। आज इस कार्यक्रम में और कोई नहीं है और हम आप थोड़ा सा इसमें सहयोग करते हैं तो काफी कुछ अच्छा हो जाएगा। आदरणीय उपजिलाधिकारी जी ने हमारी बात को सुना और मुझे उससे भी अच्छा लगा जब वो खड़े हो गए और फौरन मेरे साथ इस चीज को देखने आ गए। जब उन्होंने देखा तो उनको लगा होगा कि बिल्कुल ये तो एक निष्प्राय है और इसमें थोड़ा सा मदद कर दी जाए तो ये बहुत आसान हो सकता है। और उपजिलाधिकारी जी के लिए बहुत आसान काम था, इनके पास तो पूरा फोर्स है, आज के प्रशासक भी है नगर पालिका के, ये फोन करते हैं नगर पालिका की पूरी टीम आती है और हम लोगों ने तो 4-6 दिन लगा दिया और शायद 4 घंटे में करके चली जाती, मगर इन्होंने व्यापार मंडल पे विश्वास किया, व्यापार मंडल पे ट्रस्ट किया और व्यापार मंडल को ये काम करने की जिम्मेदारी दी। मैं व्यापार मंडल की तरफ विश्वास किया। अब आ जाती है बात शौचालय और स्वच्छता की, तो ये तो हमारे वेदों में है, हमारे पुराणों में है, हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि जहाँ पे स्वच्छ मन है वहीं पर स्वच्छ तन है और वहीं पर भी सारी चीजें अपने आप स्वच्छ हो जाती हैं। तो ये एक छोटा सा प्रयास व्यापार मंडल के लिए है, के तरफ से है, आप सबके लिए है। हम समाज के एक जिम्मेदार इंसान है, हर आदमी की अपनी एक जिम्मेदारी बनती है और ईश्वर ने कहा भी है कि आप जिससे हमने आपको, जैसा हमने आपको सक्षम रखा है समाज के लिए अपने को उपलब्ध कराइए। मैं 87 से यहाँ पे हूँ, बाहर का रहने वाला हूँ, मगर अब नहीं कहते भी अच्छा नहीं लगता कि मैं बाहर का, तो मेरा पूरा यहाँ परिवार हो गया, तो मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारी बनती है। SDM साहब, कोतवाल साहब, यहाँ मौजूद सब छात्र छात्र छात्राएं और जनता के लोग, अभी ये जो यहाँ शौचालय का निर्माण हुआ, रिनोवेशन हुआ है, इसके लिए मैं SDM साहब को बधाई दूंगा और जिन्होंने इस कार्य को करवाया है ये संदेह वो लोग जो है प्रशंसा के पात्र हैं। स्वच्छता एक बहुत बड़ी चीज़ है, स्वच्छता अगर आप अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखेंगे तो दिमाग में अच्छे विचार आएंगे। स्वच्छता का सीधा संबंध आपकी मानसिकता से है, जैसा आपके आसपास होगा वैसा ही आपका दिमाग बनेगा। बाकी सारी चीज़ें ठीक है, मैं चूंकि पुलिस का आदमी हूं तो इस संबंध में बता दूं कि जो है शौचालय घर में होना क्यों ज़रूरी है, आपसे भी इसका संबंध है, क्योंकि महिला संबंधी अपराध जो भी होते हैं, बलात्कार छेड़छाड़ की जो घटनाएँ होती हैं, जो हमारे थाने पर हम लोग के पास में एप्लीकेशन आती हैं, उसमें से
90% एप्लीकेशन में यही लिखा होता है कि मेरी बेटी, मेरी बीवी या मेरी घर की जो भी महिला है वो शौच के लिए गई थी, शौच के दौरान फला फला व्यक्ति ने उसके साथ में ये घटना कर दी। तो अगर आप सब लोग अपने अपने घर में शौचालय बनवाएंगे तो महिला संबंधी इन अपराधों में निश्चित तौर पे बहुत कमी आएगी। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग अपने घर घर में शौचालय जरूर बनवाएं। धन्यवाद। स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस पुनीत कार्य में अपना संपूर्ण अर्पण करने वाले प्रबंधक बिलाल जी, हमारे सभी विद्वान अधिवक्तागण, पत्रकार बंधु, संभ्रांत नागरिकगण व प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी आपने बताया, स्वच्छ भारत के मिशन का उद्देश्य और उस उद्देश्य की सार्थकता में हमारा आपका कितना योगदान होगा, इस विषय पर चिंतन करने के लिए कहीं न कहीं हमको, आपको, सबको एक सकारात्मक सोच समाज में पैदा करनी होगी। तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यक्ति को कहीं न कहीं अन्यत्र जाना पड़ता था। इस पुनीत कार्य के लिए बिलाल भाई ने जो भी योगदान किया है, मैं उनका हृदय से आभारी हूँ और भूर भूर प्रशंसा करता हूँ। यदि ऐसे ही 10 लोग समाज को मिल जाएं, तो निश्चित तौर से सरकार को कौन कहे, हम आप स्वयं सारे लोग मिलकर के इस व्यवस्था को आत्मसात कर लेंगे और समाज और देश कहीं न कहीं स्वच्छ हो जाएगा। मैं पुनः हृदय से अपने सभी अधिवक्ता बंधुओं का भी, इसमें आपका भी योगदान है, आपने कहीं न कहीं किसी रूप में आपको समर्थन दे करके आपके हौसला को बुलंद किया है, बढ़ाया है, इसलिए आप लोगों के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारी आपकी सहभागिता से शौचालय निर्माण में पूरी तरीके से सक्रिय भूमिका अदा करते हुए सभी गांवों में शौचालय का निर्माण हो रहा है, लेकिन आज उसकी आवश्यकता इस बात के लिए उत्पन्न हो गई है कि हम उसका उपयोग भी करें। अन्यथा देखा जा रहा है कि शौचालय का निर्माण तो हो जाता है, लेकिन उसमें अन्य वस्तुएँ रख दी जाती हैं और केवल सरकारी जो राशि धनराशि है उसका केवल दुरुपयोग हो जाता है। समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, चाहे हम हों चाहे आप हों, यह हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी इस व्यवस्था से जुड़े, जो इससे होने वाली हानियों से पूर्ण रूप से परिचित और भिज्ञ नहीं हो सका है। हम आप किसी भी, और जब हम उनको जोड़ने में समर्थ हो सकेंगे तभी हमारा भारत स्वच्छ भारत हो सकेगा। और स्वच्छता के अभाव से जनित जो कमियां और बुराइयां हैं उससे हम समाज को निजात दिला सकेंगे। तहसील में सबको पता है नियमित रूप से वर्किंग डे में मिनिमम मेरा सोच है कम से कम 1000 लोग आते और जाते हैं। यहाँ की एक दुर्व्यवस्था थी कि इतने लोगों के आने जाने और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन का पूरी तरीके से अभाव था, करके आपने इस पुनीत कार्य को इस रूप में प्रणित किया या प्रस्तुत किया है। ऐसी ही भावनाएं ईश्वर करे आप में हमेशा बनी रहें और समाज के अन्य कार्यों का भी आपके इन्हीं विचारों का लाभ मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।